Hello friends, so the topic of today's discussion is going to be a very important poem by W.B. Yeats called The Second Coming. You might have already read the poem in your graduation or PG, or it is going to come in your upcoming syllabus. After having a brief discussion about the author and the background of the poem, we will understand the whole poem line by line with important symbols, underlying themes, literary analysis, and central idea as well. So let's begin. First of all, we will talk about the author first, W.B. Yeats. He was an Irish poet, dramatist, and a writer. And he is known to be a driving force behind the Irish literary revival. Hum jante hain ki 1920s mein Irish literary revival ka kaal aaya tha, jisme ki bahut sare writers ne सहयोग दिया था कि आयरिश कल्चर को, आयरिश लिटरेचर को बढ़ावा दिया जाए, और इसी के बाद एबी थिएटर का विकास हुआ था. एबी थिएटर के विकास में भी डब्ल्यू बी यीट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है. एंड ही इज़ द फर्स्ट आयरिश सिटीजन टू विन द नोबेल प्राइज़. ही वन द नोबेल प्राइज़ इन 1923. अब डब्ल्यू बी यीट्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उन्होंने अपना लिटरेरी करियर एज अ रोमांटिक पोएट स्टार्ट किया था, बट ही ग्रेजुअली इवॉल्व्ड इनटू अ मॉडर्निस्ट पोएट. अर्थात पहले उनकी पोएम्स में जो रोमांटिक एज के पोएट्स होते थे उनके लक्षण थे, उनके फीचर्स थे. बाद में उनकी पोएम्स में वे तत्व, वे फीचर्स शामिल हो गए जो एक मॉडर्न पोइट्री की होती हैं. द सेकेंड कमिंग यीट्स की एक ऐसी पोएम है जिसमें मॉडर्न पोइट्री के सारे लक्षण हमें परिलक्षित होते हैं. ये पोएम 1919 में लिखी गई थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के काल में लिखी गई थी, और इसमें वे सारे फीचर्स हैं जैसे सेल्फ डाउट करना, किसी भी चीज़ में विश्वास ना होना, और अच्छे के साथ अच्छा होता है, इस विश्वास में बिलीफ ना बचना, ऐसे सारे फीचर्स इस पोइट्री में हमें इस पोएम में परिलक्षित होते हैं. और ये पोएम फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1921 में. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंथोलोजाइज्ड पोएम्स ऑफ यीट्स. अब इस पोएम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आउटलाइन हम समझ लेते हैं कि इस पोएम में एक स्पीकर है जिसे एक नाइटमेयर आता है. वो रात में एक बुरा सपना देखता है जिसमें उसे वर्ल्ड की करंट सिचुएशन के बारे में पहले ज्ञान होता है, और उसके बाद इस ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है, एक सेकंड कमिंग आने वाली है, उसे ये पता चलता है. एक तरह की प्रोफेसी भी होती है इसमें कि अगर वर्ल्ड में इसी तरह की सिचुएशन रही, ऐसे ही अन्याय फैलता रहा, और लोगों ने अपने ऊपर सुधार नहीं किया और ऐसे ही पाप कर्म करते ही चले गए, तो अंत में क्या होगा, एक सेकेंड कमिंग आएगी. सेकेंड कमिंग मतलब जैसे क्राइस्ट का अवतार आया था धरती पर, वैसे ही एक अवतार फिर से आएगा. उसकी दोबारा से, उस अवतार की दोबारा से पुनरावृत्ति होगी, उसका दोबारा से आगमन होगा. पर वह अवतार क्राइस्ट जैसा काइंड नहीं होगा, क्राइस्ट जैसा दयालु नहीं होगा. इसी के बारे में इस पोएम में बताया गया है. पहले के स्टैंजा में बताया गया है कि वर्ल्ड की सिचुएशन करंटली क्या है, और दूसरे स्टैंजा में ये बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन रहेगी तो अंत में वर्ल्ड में क्या होगा. So according to the speaker, there is going to be a second coming of the Messiah, but he is not going to be as kind as the Jesus Christ was. Instead, he is going to be a very rough beast kind of person. And Yeats' mystical theory of universe, which was introduced in his work A Vision, is explored here. Yeats ka ek aur bahut famous work hai jiska naam hai A Vision, aur is वर्क में यीट्स ने अपनी मिस्टिकल थीरी ऑफ यूनिवर्स दी थी कि यूनिवर्स की उत्पत्ति और इसकी साइकिल की उन्होंने एक थीरी दी थी, जिसमें उनके अनुसार एक मसीहा आता है जिसके द्वारा संसार रिवाइव होता है. कुछ ऐसी थीरी दी थी, और इसी थीरी को इस पोएम में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है. ये पोएम 1921 में पब्लिश हुई थी, और इसे लिखा गया था 1919 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो में. That is why this poem Second Coming is known as a modern poetry, because it depicts the end of the Christian era and the beginning of the barbarian era. The poem was written in the World War First scenario, and in that situation the poet had seen atrocities, mass killings, diseases and deaths around him. This made him believe that there is no concept of morality in this world. Instead, the one who believes in doing the wrong things is the one who gets more benefited. We will discuss the text in part 2.